प्रदेश शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज प्रातः 11 बजे से नीमच के ग्राम भादवा माता में विधायक दिलीप सिंह परिहार के नेतृत्व में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवा की वैष्णो देवी महामाया भादवा माता का आशीर्वाद लिया व पहला पत्र माँ के चरणों में अर्पित कर विधानसभा क्षेत्र के भादवा माता मंडल से जनसंपर्क अभियान का शंखनाद किया। अभियान जनता के बीच में मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं को ले जाना, केंद्र की योजनाओं को ले जाना और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो क्षेत्रों में काम हुए हैं, जनपदों में काम हुए हैं, ग्राम पंचायतों में काम हुए हैं और हर जगह जो डेवलपमेंट हुआ है, उन डेवलपमेंट जितने भी विकास हमने लोगों के व्यक्तिगत विकास किए हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तीनों विकास हमारी सरकार ने जो किए हैं उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और ये महाजन जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चलाया हुआ है और इसके माध्यम से पूरी एक एक विधानसभा में एक एक घरों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाने का काम करेंगे। ऐसी योजना बनाई है, उसकी शुरुआत करने के लिए इस नीमच विधानसभा में पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाया है और आज माता भादवा जी के चरणों में हम लोगों ने शुरुआत चरणों में वंदन करके और शुरुआत की इस काम की। हमारे साथ क्षेत्र के विधायक जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता ग्राम भादवा माता व जवासा के घर घर झोपड़ी झोपड़ी पहुंचकर सरकार के किए गए विकास कार्यों का पत्र जन जन तक पहुंचाया। आज मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार, संगठन के निर्देशानुसार महाजन संपर्क अभियान प्रारंभ किया है। अभी 6 तारीख को माननीय हमारे राजनीति के चाणक्य राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीयवर अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब जावरा आए थे। उसके बाद उन्होंने 6, 7, 8 महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम दिया है। आज भादवा माता में सम्मानीय सुरेश जी साकला जी के नेतृत्व में भादवा माता मंडल से महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया है। यहाँ के मंडल अध्यक्ष प्यार सिंह जी, मथुरा लाल जी, महामंत्री पदम सिंह जी और सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने यहाँ और युवा मोर्चे और सभी मोर्चे प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं ने माँ भादवा माता के प्रांगण में धोख देकर और हम सब लोग महाजनसंपर्क अभियान में निकले हैं। उस महाजनसंपर्क अभियान ने सरकार ने जो लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में जो मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश था उसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। उन विकास के पत्रक को लेकर हम द्वार द्वार गांव गांव जा रहे हैं और यहां यह इसकी शुरुआत हुई है। अब हमारे मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में पालक संयोजक और 11 जो सभी मोर्चे प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता हर ग्राम केंद्र पर, नगर केंद्र पर जाएंगे और सरकार की योजना जो जो काम की है उन्हें बताने का काम करेंगे। आचार संहिता लगने की वजह से एक सिंपल रूप से हम सब लोग फार्म बांटने का काम कर रहे हैं। अभी जो भी हम भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी वो हम कमल खिलाने का काम करेंगे। हम सब चाहेंगे मिशन 2018 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इसके लिए सारे कार्यकर्ता मनोयोग से लग गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें निर्देश दिया है कि हम सारे रिश्तेदारों से, अपने परिचितों से कमल के लिए चर्चा करें, कमल के लिए उनके घर घर जाएं और महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से उनको सरकार की योजनाओं ने जो काम किए हैं उनको बताने का काम करें, हितग्राहियों के जो काम हुए उनको स्मरण कराने का काम करें। तो आज हमने महाजनसंपर्क अभियान माँ भादवा माता मंडल से प्रारंभ किया है, दीनदयाल मंडल, फिर उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल, फिर उसके बाद उत्तर मंडल, दक्षिण मंडल में यह महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पे और जो पालक संयोजक है जो मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में वह घर घर जाएंगे और ये सरकार के महाजनसंपर्क अभियान में मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्टीकर और सरकार की योजनाओं के फॉर्म देंगे और आने वाले समय मिशन 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।